जी बेताब निगाहों ने आसिफ। सलाम वालेकुम जी, जितने देखने वाले भाई भाई, उम्मीद करता खैर खैरियत हो गया। वेलकम बैक है नदर व्लॉग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अजीम पाक व्लॉग। आज जी जुमे का दिन है और अभी मैं सुबह सुबह निकलने लगा हूँ, पुल के नीचे जाने लगा हूँ, कुछ चीज़ें वगैरह खरीदते। और अली जो है ना बाइक लेकर आया था, इसकी दुकान पर छोड़ते हैं ट्रैक्टर वाले इसकी दुकान, और वहाँ से फिर वापस आऊँगा, आमर को साथ लूँगा और फिर हम दोनों जो है ना मिल के जाएँगे जी। ठीक है जी, चलो ये अभी चलते हैं अली को छोड़ने के लिए। और ये फाइनली असं पहुँच चुके हैं जी पुल थले, और इतों कुछ छियाँ छियाँ देखते हैं वारे दी, अगर मिल गई तो लै गए ना फिर चलते। फंदा चाहिए ना लखे छके तो शराजे शुरू। बाबा दी ग्रेट, बाबा जी सुनाओ। चेक करें जी फाइनली, नहीं जी अब मंडी आ गए, वहाँ से तो कोई चीज़ नहीं मिली। और मैंने सोचा जी जाते जाते चले मंडी से कुछ सब्जियां घर की ले गए दे जाऊँ, क्योंकि कल हफ्ता है और कल मैंने निकलना है लाहौर के लिए, तो इससे बेहतर है कि यहाँ से कुछ खरीदारी करके ना सब्जी वगैरह दो तीन दिन की ले के दे दूँ, ताकि घर वाले पीछे से तंग ना हों। लें जी ये सब्जियाँ ली हैं, मसाला लिया, तीन सब्जियाँ और मसाला लिया, और 550-600 रुपये लग गया। ये हालात है जी मंडी के, हर चीज़ को आग लगी पड़ी। अब बैंगन नहीं संभाले जा रहे, बैंगन तो रही है। खैर अभी चलते हैं जी घर और जाके नहा धो के ना फ्रेश होके जमा पड़ते घर आ गया। और दाई तेरी टोपी कितने है, भाई की टोपी किधर है? अभी जी जमा पढ़ने के लिए जाते हैं, बाजार से आ गए। टाइम किधर जा रहे हैं हम लोग बताओ किधर जा रहे हैं? नमाज पढ़ने जा रहे हो, शाम आ जाओ। नहीं माशाल्लाह हम बाप बेटे जमा पढ़ने जा रहे हैं, नमाज पढ़ने जा रहे हैं। इधर देखो ऐसा, आपकी टोपी किधर है? वो टोपी किसकी है? इसकी ना ये शाम की टोपी अक्सर आप देखते होंगे, तो इसकी मम्मा कह रही है इसने छीन ली, उसके सर से उठा ली, जब इसको टोपी दी है ना इसने देखा है ये टोपी भाई ने ले ली, कहता वो मेरी टोपी। उसकी मम्मा ने कहा तुम्हारी टोपी जो है ना ये देखो कलर मैच होते ही, ये तुम्हारी टोपी है सही, तो अब इसीलिए कह रहे मेरे साथ मैच होते। मोटरसाइकिल पर जाना है, इधर आओ चले। किधर जा रहे हैं हम लोग किधर जा रहे हैं? इधर देखो दाई कहाँ जा रहे हैं, पीछे करो नीचे करो बेटा, ये किधर जा रहे हैं हम लोग? नमाज पढ़ने, चलो चलते हैं। हम पहुंच चुके हैं मस्जिद के पास, चलो आ जाओ नीचे उतरो। नहीं तू तू तंग क्यों करता रहा गंदे है, सारी नमाज ने ना तो पढ़ने दीती ना तंग कर रहा, बिच कीड़ा आ गया, कीड़े तो डरन डे सी है गंदा। चलो बेटा बेटा नहीं अभी घर जाके आपने चीनी वाली रोटी खानी है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह जी जुमा तो पढ़े, लेकिन मस्जिद में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अबस थी, शुक्र है मोटरसाइकिल पर बच्चों को ले गया और आते आते फिर भी पसीने का बुरा हुआ। अभी खैर रेस्ट मारते हैं, सोते हैं और उठ के ना फिर बाकी काम देखते हैं। हाँ भाई रोटी खानी है, दही बताना तो मम्मा चीनी वाली रोटी लेकर आई है, चलो उठ जाओ खाओ। चीनी वाली रोटी, चीनी वाली रोटी, चीनी वाली रोटी, चीनी वाली रोटी साहब, चीनी वाली रोटी, चीनी वाली रोटी, चीनी वाली रोटी। चले जी अभी खाना खाते हैं। तो हाँ जी मैं हूने हूने उठाया सी, तो सिर दर्द कर रहा सी, बेगू साहब ने कहा चाय बना दो, दवाई वगैरह ली है, दरअसल धूप काफ़ी ज़्यादा सी, जो बाहर जमा पढ़न गया वहाँ ठीक है, और बाजार भी गया सी गर्मी की वजह करके ना मेरे अक्सर सिर में ऐसा हर तो यह चीज़ा इतनी को दर्द कर दी, पता नहीं की गल कुदरती तौर पर, हूँ चाय शाय पी रहा वहाँ और
बेगम साहब अंदर दे रही है ना, खाना खुना बना रही है। और जरा ना अब्दुल हनान है और चेहरा उत्थे मंजी ते पे हवाओं में शाम टाइम बाहर खेलन गया है। अब्दुल हनान जरा ना ये तो मेरा भतीजा है वा तो इतने खेल रहा। और बेगम साहब आ गई ने और बेगम साहबा जी है ना किचन ले चल बुरे हाल है बंदा बुरे हाल है पर किचन हां तो तेरे पूरे ने सवेरे लौट जाना मैं लौट चला हूं तेरे से नोट दे पेड़ हो गई मैं ना फिर ना दबी हूं तो चलो अब पता चला रस्ते ले जाऊंगा नहीं आपका सवेरे नहीं तो हो जाएगा। और शाम भी इधर आ गए इधर आओ किधर गए थे इधर आओ और उसकी ना आंटी आई है लाहौर से दीदी की क्या खाना है तो 10 रुपए दे देते शवारमा खाना है शवारमा खाना है तो 10 रुपए दे दिए ना जाओ ले आओ शवारमा हैं अली चाचू लेके जाना है शवारमा खवाने ली काका ये तेना दगाबाजियां कर रहे फ्राडियां ला रहे तेरे ने हैं 100 रुपए कोई नहीं चाचू तेरा खवा दे मेरे को तो 100 है कोई नहीं मैं तो अगे सब्जियां लाए हैं डेढ़ पैसे है ऐसे हैं तो टाफियां ले ला तला टाफियां दे डाइम नु ही दे दे ले ले दो टाफियां दे दो दे खां दो दे तला टाफियां वंड रहे जी जी बाहर अभी निकला हूँ यार अभी मैं तो है ना सिस्टर की डिश ठीक करवानी है वो कल से बेचारी फ़ोन किया रहा है वो बंदा जो ठीक करने वाला ना और एक नहीं चढ़ रहा अभी फ़ोन किया तो उसके भाई ने उठाया तो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा अभी मैं दोबारा उसके घर चलता हूँ उसको लेके ना तो सिस्टर की जाकर डिश ठीक करवा आता हूँ। और जो ना मैंने बुध वाले दिन चिक्स लेकर आया था लाहौर से वो मैंने दिए एक बंदे को पुल के नीचे आज उसके पास गया भी हूँ लेकिन अभी तक सेल नहीं हुए थे पता करता हूँ अगर सेल हो गए हुए तो ठीक है वरना वहाँ से लेके ना घर आ जाऊँगा और फिर उधर से जो है ना वापसी फिर उधर से वापसी पे जो है ना उसको लाहौर ले जाऊँगा क्योंकि सुबह सुबह मैंने ना कुछ ये करनी है टाइम से निकल जाना ताकि मंडी से जाकर ना जानवर परसों के लिए त्यौहार के लिए खरीद लूँ क्योंकि सुबह सुबह फिर माल कम मिलता है 1-2 बजे गाड़ी आती है आपको पता फिर माल मिलता है उतनी देर तक मंडी काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो जाती है। बाकी ये माशाल्लाह माहौल है सुबह सुबह गाँव का बच्चे चले गए ना अदे चाचू के नाल बाजार और मैं दोस्त वाले चलना पिछली गली च ही है तो उन्होंने जाके ना डिश का कहने दो आसा साहब के घर पहुँच गए तो आसा साहब तो नहीं टकरे तो आसा भाई दे भाई साहब टक्कर गए तो निकल आया बाहर जरा डिश ठीक कर ला कि तेरा काम नहीं है ना तो हूँ जरा ना जट साहब आते उन्होंने लैके टुरद हैं फिर किधर जाना है यार सिस्टर की उधर डिश खराब हुई थी और ठीक करा जाना तो जट मैं कहानियां कराई जा जी बेताब निगाहों ने आसिफ भाई को देख लिया है और आसिफ भाई अंदर चले जल्दी आ यार और तकरीबन आधा दो घंटे मस्जिद उतर जाके भी लग जाना तो शाम हो गया लेकिन लाहौर जाना है तो काफ़ी दिनों से सिस्टर कह रही थी आज उसका ये काम करवा दे उसने भाई बड़े भाई का बोला मसूल था करा तो फिर ये काम मैंने कहा आप पता मैं कह रहा था फ्री होता 2 दिन हो आज उसने फ़ोन किया है मैंने यार आज उसका काम करवा ही वरना अगले हफ्ते के तो पड़ जाएगा फिर कहीं ना कहीं फंस जाएगा चले जी अभी चलते हैं जाके सेटिंग वगैरह करा के फिर वापस आ रहे हैं। नहीं बिल्कुल हम अभी ना पहुंच चुके हैं समझे ये टाउन के अंदर जाना और फिर जल्दी से ये काम नबेड़ के ना वापस रिटर्न टू कम बैक होना इस बंदे के काम ने डिश ऐ खराब कर दे तू खराब करना ना डिश है ना तू डिश खराब कर दे और किन्हें की आपे नहीं हुई
नहीं नहीं पानी बस ठंडा बना दे तेरी मुर्दी अंडा दे दी है कदी कदी दे दी क्यों कदी कदी क्यों दे दी डेली क्यों नहीं दें डेली डेली क्यों नहीं दें डेली अंडा क्यों दें कौन अंडा खाता है सारे अंडे तू खाने बैनर नहीं देना अंडा है बैनर नो अंडा नहीं देना क्यों बाकी दे असो भाई उत्ते चढ़ गया नहीं तो कबूतर कितने दे कितने उड़ गए बुआ खुले आते उड़ गए बुआ किमें खुले क्या मेरे पापा ने किसे दे दिते खैर हो गई बाल बाल ही होंगे भाई पूरी पूरी कोशिश कर रहे ने और उम्मीद है हो जाए अस भाई हो जाएगी ठीक चलो कोशिश करो यार बच्चे दराना आंडिया गांडिया के घर जाने ने वो तो जान छुट्टे डेढ़ महीना हो गया खराब हो गया वो ना अज नेरी आए तो फिर खराब हो गया आए तो गल आई है फाइनली जी डिश ठीक कर ली थी और अभी जो है ना आसिफ भाई ने खाना का शवारमा वगैरह अभी हम आए हैं काशी बर्गर पॉइंट पे और यहाँ से खाते हैं शवारमा वगैरह चलते हैं तो आज कल लोग यहाँ पे करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक उन्हें बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए तो हमें याद रखिएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो अगले ब्लॉग में अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़्यादा ज़रूर सब्सक्राइब किया बहन भाई के साथ शेयर कीजिए ओके जी अल्लाह हाफिज़।